कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्थिर दाब पर उष्मधारिता। कल हमने पढ़ा था स्थिर आयतन पर उष्मधारिता। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्थिर आयतन पर जो उष्मधारिता होती है उसको सी वी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा स्थिर दाब पर जो उष्मधारिता होती है उसको हम सी पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्थिर दाब पर उष्मधारिता। जैसे कि हमको पता है कि उष्मधारिता किसको कहते हैं, किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को उष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की थी हमारी, एक तो स्थिर ताप पर थी, एक तो स्थिर आयतन पर थी और दूसरी स्थिर दाब पे थी। तो स्थिर आयतन पे हम अध्ययन कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे स्थिर दाब पर उष्माधारिता। जैसे कि हमको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या कहता है कि यदि किसी तंत्र को डी की ऊष्मा दी जाती है तो उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तथा तंत्र क्या करता है, कार्य करता है। तो डी क्यू इज इक्वल टू है क्या है हमारा, डी ई प्लस पी डी वी हो गया। अब एंड सी जो आपका ऊष्मा धारिता क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर है। यहां से डी क्यू का मान निकाल लेते हैं तो डी टी इधर चला जाएगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी टी। तो इस डी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी डी टी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, इस डी क्यू की जगह पे सी डी टी लिखा, ये एज इट इज लिखा, डी ई प्लस पी डी वी। तो यहां से सी निकाल लिया तो ये डी टी इधर चला जाएगा और किधर चला जाएगा, ये भाग में हो चला जाएगा। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई प्लस पी डी वी बटा डी टी, और इसको क्या करते हैं हम एक नंबर समीकरण दे देते हैं। अब हमको पता है कि जो एंथैल्पी होती है वो एच जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई प्लस पी वी के बराबर है। तो हम इसका क्या करेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो जहां भी एंथैल्पी आएगी वहां पे हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट प्रेशर आता है, एच पी आता है, पर अवकलन कर दीजिए। तो एच का जो अवकलन होता है वो डी एच होता है, इसी तरह से ई का अवकलन क्या हो जाएगा, डी ई। यहाँ पे दो टर्म है, एक तो पी है दूसरा वी है। तो इसको अवकलन करने का तरीका ये होता है कि पहले ए को कांस्टेंट रखते हैं और इसका अवकलन करेंगे, फिर वी को कांस्टेंट रखें और पी का अवकलन करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पर पी वी है तो पी को स्थिर रखा, कांस्टेंट रखा, और वी का अवकलन कर दिया डी वी, डी वी हो गया। प्लस हमने क्या किया, वी का अवकलन, वी को कांस्टेंट रखा और पी का अवकलन कर दिया, वो क्या हो गया, डी पी। क्योंकि हमको पता है कि स्थिर दाब पे होता है, अतः दाब में जो परिवर्तन है डीपी वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो इट मीन्स ये जो मान है वी डी पी वाला मान क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो डी एच बराबर हमारा क्या हुआ, डी ई प्लस पी डी वी के बराबर हो गया। तो यहां से हमने क्या किया, डी ई का मान निकाल लिया। जब डी ई का मान निकालेंगे तो पी डी वी इधर चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अतः डी ई बराबर हमारा क्या हो गया, डी एच माइनस पी डी वी, और इसको क्या कर देते हैं, दो नंबर समीकरण दे देते हैं। अब समीकरण नंबर एक, एक नंबर हमारी ये है, और समीकरण नंबर दो, तो इस डी ई की जगह पे ये जो मान आता है वो रख देते हैं। तो हमारा और सी की जगह पे हम क्या कर देते हैं, सी पी कर देते हैं। तो सी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मान रखा डी की जगह पर, डी एच माइनस पी डी वी प्लस, ये पी डी वी आपका पड़ा हुआ है तो मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस पी डी वी बटा डी टी था, डी टी का मैंने मान क्या किया इसके अंदर, डी टी हमने रख दिया। अब देखिए इसके अंदर ये पी डी वी माइनस का है और ये पी डी वी किसका है, प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे। तो हमारा सी पी इज इक्वल टू क्या बच गया, डी टी अपॉन डी एच, या सी पी इज इक्वल टू हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आपका, डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, या सिंपल वे में हमको लिखना है तो डी एच इज इक्वल टू ये डी टी इधर चला जाएगा, तो डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी डी टी। अगर एन मोल के लिए लिखना होगा तो हमारा डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी पी डी टी हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया संबंध। तो दो चीजें आपने ध्यान में रखना है, जहां पर भी स्थिर आयतन आता है तो वहां पे सी वी आएगा, जहां पर आपका स्थिर दाब आता है तो वहां पे हमेशा क्या आता है, सी पी आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर मेनली ये क्वेश्चन आता ही है कि सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, या सीपी एवं सीवी में संबंध। तो इसको करने के दो तरीके हैं, अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट वे से हम कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, यानी कि आपका 3 मार्क्स का आता है या 4 मार्क्स अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको करने के लिए बड़ा तरीका अपनाना ज्यादा बेटर रहता है।
तो मैं पहले हम क्या करेंगे, पहले लॉन्ग मेथड से इसको करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना शॉर्ट मेथड देखेंगे कि उसके द्वारा हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको पता है सीपी इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी के बराबर। तो इसको हमने क्या दे दिया, एक नंबर समीकरण दे दी। और सी वी हमको पता है क्या आएगा, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, इसको क्या दे दिया मैंने, समीकरण नंबर दो दे दिया। अब क्या किया कि समीकरण एक से दूसरे को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। तो पहले ये सीपी, फिर ये माइनस सी वी, पहले ये लिखा डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, माइनस ये मान रख दिया डेल्टा ई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और इसको हमने क्या दे दिया, तीन नंबर समीकरण हमने दे दी। अब हमको पता है कि जो आपका एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में ये संबंध होता है, H इज इक्वल टू E प्लस PV। तो इस समीकरण का क्या करें हम, स्थिर दाब पर, किसके ऊपर, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए इसका, किसके सापेक्ष, ताप के सापेक्ष। तो इसको करने का तरीका बहुत आसान है, तो जिसके भी सापेक्ष करना है उसको नीचे लिख देते हैं, और अवकलन करना है तो डेल एच आ गया अपॉन डेल टी, किसके सापेक्ष है, पी के सापेक्ष, तो पी इधर लगा दिया। E का लिखना है डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, चूंकि पी स्थिर है तो इसको बाहर रख दो। अब इसका V का अवकलन कर दीजिए, डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, और इसको क्या देते हैं हम, चार नंबर समीकरण दे देते हैं। अब क्या करेंगे समीकरण चार से, देखो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है, पहले इसका मान निकालना है हमें, किसका, डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का मान निकालना है। तो ये हमारे इस समीकरण से इसका मान आ गया, तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर चार से, चार से इसका मान किसके अंदर रख देंगे, तीन नंबर समीकरण के अंदर हम इसको रख देते हैं। रखेंगे तो हमारा मान क्या जाएगा, सीपी माइनस सीवी ये रखा, और डेल एच अपॉन डेल टी की जगह पे ये पूरा मान हमने रख दिया। तो क्या रखा है हमने, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस पी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, माइनस ये हमारा जो माइनस पड़ा हुआ था, माइनस डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अब हमको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का मान निकाल के इस समीकरण में रखेंगे। रखने के बाद जो होगा हमारी जो फाइनल जो समीकरण होती है वो आ जाती है, क्योंकि हमको पता है कि जो आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फलन होती है, आयतन और, आयतन और ताप का फलन होती है। तो हम इसको लिख देते हैं, जो हमारा ई जो है वो फलन है किसका, ई जो है मैंने ये लिखा है ई है, एफ फलन है किसका, वी और टी का। अगर हम इसके आंतरिक ऊर्जा में अगर परिवर्तन देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या परिवर्तन आएगा, तो उसको लिखने का तरीका है, ई को क्या लिखा मैंने, डी ई, पहले क्या करते हैं इसको डी ई ऊपर लिख देते हैं, फिर मैंने क्या लिया इसको पहले टी के सापेक्ष लिखा, तो डेल्टा टी किसके, स्थिर आयतन पे, क्योंकि जहां भी ई आएगा वहां पर स्थिर आयतन आता है, और फिर उसके बाद डी टी लिख देते हैं, भैया डी टी से डी टी कैंसिल हो गया तो बचा गया डेल्टा ई, प्लस फिर उसके बाद डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी, ये लिखने का तरीका है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करें, दोनों ओर डी टी से क्या करना है, डी टी से भाग लगा देते हैं और दाब की शर्त लगा देते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें जो है निकालना है ये डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये मान निकालना है। तो डी ई तो हमारे पास आ गया, तो क्या चाहिए हमें, डेल्टा टी चाहिए, तो मैंने क्या किया डेल्टा टी से इसको भाग दे दिया, और पी चाहिए मुझे, पी के लिए मैंने क्या किया, दाब की शर्त लगा दी। तो ये समीकरण क्या बनी, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है, और मैंने डी टी से भाग दिया इसको, इसको भाग दिया तो ये डी टी से डी टी कट गया, ठीक है, तो बचा क्या, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये यहां से बच गया, ये कट गया था हमारा, क्योंकि हमने पूरी समीकरण को डी टी से भाग दिया है, प्लस का प्लस लिखा, ये हमारे पास क्या है, ये एज इट इज लिख दिया, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। अब इसमें भी क्या करना है, डेल वी अपॉन डेल टी, और दाब की शर्त लगा दी, और इसको समीकरण नंबर छह हमने दे दिया। अब क्या किया, ये हमारे पास मान आ गया, तो समीकरण छह से जो है वो मान समीकरण नंबर किस में रख दिया, पांच में, जो हम पीछे कर चुके हैं उसके अंदर इसका मान हम रख देते हैं। रखेंगे तो हमारे पास एक समीकरण आएगी, क्या आएगी वो, आपका सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा मान मैंने रख दिया, क्या रखा, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, माइनस जो पीछे वाली जो समीकरण थी वही उठा के रखी मैंने, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का मान मैंने इसके अंदर रख दिया। चूंकि ये आपका वी है, ये भी वी है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जो बचेगा वो रख देंगे। बचा हमारे पास क्या, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना, पी
ये देखिए इसके अंदर ये मैंने पहले ले लिया है P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट P, बाकी ये जो मान था मैंने वापस रख दिया और इसको हमने क्या नंबर दे दिया, 7 नंबर समीकरण दे दिया। अब हमको पता है कि एक मोल जो आइडियल गैस होती है वो समीकरण क्या होती है, पी वी इक्वल टू आर टी होती है। अब हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है हमें। तो पी वी इक्वल टू आर टी, तो क्या करेंगे हम, स्थिर दाब, क्योंकि ये आपका पी है तो स्थिर दाब पर परिवर्तन किसके साथ, ताप के साथ, तो इसको परिवर्तन लिखेंगे। तो पी तो स्थिर है आपका, कांस्टेंट है, तो आयतन में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो पी डीवी और ये आपका क्या हो जाएगा, आर डीटी हो जाएगा। तो यहां से इसमें वही शर्त लगा देंगे, ये डीटी इधर ले जाएंगे, इस डीटी को इधर लेके गए तो हमारा क्या बना, पी का पी लिखा, डीवी ये डीटी इधर आ गया और दाब की शर्त लगा दी, इक्वल टू आर के बराबर हो गया। तो ये हमारी समीकरण नंबर हमने क्या ले ली, 8 ले ली। अब एक चीज हमें पता होता है कि अगर आपका ताप स्थिर होता है तो जो आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो आयतन पर निर्भर नहीं करती। जब नहीं करेगी तो ये जो आपका है अवकलन डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, क्योंकि आयतन पर निर्भर नहीं करती। जब आयतन पर निर्भर नहीं करेगी तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। इसको हमने क्या दे दी, 9 नंबर समीकरण दे दी। अब तीनों समीकरण ले लेंगे, 7, 8 और 9, ठीक है। तो इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, पी डेल वी अपॉन डेल टी की जगह पे आप क्या रख देंगे, हम आर रख देंगे। आर रखा तो ये हमारी समीकरण बनी सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी, इसकी जगह पे आर, चूंकि ये जीरो है, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी जीरो है, तो ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारी समीकरण क्या बनी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर हो गई। अगर हमको एक मोल के लिए देखना, एन मोल के लिए देखनी है तो एक मोल के लिए, किसके लिए ये आपका, 4 1 मोल, एक मोल के लिए है। हमको एन मोल के लिए देखनी है तो वो आपके क्या आ जाएगी, यहाँ पे एन आ जाएगा। तो सीपी माइनस सीवी इजिकल टू एन आर के बराबर, या सीपी इजिकल टू क्या आ जाता है, एन आर प्लस सीवी हो जाता है। इसका मतलब आपने ध्यान रखना है, जो सीपी जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, सीवी से। तो ये आपने क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है कि जो सीपी है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, सीवी से। और कितना बड़ा होता है, एन आर कितना बड़ा होता है, एन आर के बराबर ये आपका बड़ा होता है। अब हम करते हैं इसके बाद जो आपका एक छोटा जो शॉर्ट, अगर 2 नंबर में आ जाए तो उसको हम कैसे लिखेंगे सीपी और सीवी में, ये हमारा क्या है, शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड में हमको पता है कि जो एंथैल्पी होती है वो एच इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई प्लस पी वी के बराबर है। किसके बराबर है, ई प्लस पी वी के बराबर है। तो इसमें परिवर्तन देख लेंगे, परिवर्तन वही सेम जो पहले जो पीछे हम कर चुके हैं, डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी था, तो वो हमारा डीपी जो है चूंकि जीरो है, अतः हमारी समीकरण क्या बनेगी, डी एच इजिकल टू डी ई प्लस पी डी वी बन जाएगा। और हमको पता है कि पी वी इजिकल टू क्या होता है, आर टी के बराबर होता है। तो परिवर्तन हम देखेंगे तो पी डी वी इजिकल टू आर डी टी, ठीक है। इसको एक नंबर समीकरण दे दी, इसको हमने कौन सी दे दी, 2 नंबर समीकरण दे दी। अब समीकरण 1 और 2 से तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पी डी वी की जगह पे आप क्या रख दोगे, आर डी टी, क्योंकि पी डी वी इजिकल टू क्या है हमारा, आर डी टी है। तो डी एच की जगह डी एच लिखा, डी ई की जगह डी ई लिखा, पी डी वी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, आर डी टी लिख दिया। और इसको क्या दे दिया, 3 नंबर समीकरण दे दिया। तो अब 3 नंबर समीकरण का क्या किया, टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो अवकलन करने का तरीका यही है, तो इसको डेल टी कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, डेल टी। और अवकलन कर सकते हो या इसको डी टी से भाग दे सकते हो, या इसको डी टी से भाग देने पर ये ज्यादा बेटर रहेगा, भाग देने पर, ठीक है। तो ये आपका डी टी डी टी, और यहां से ये डी टी आपका डी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर। और हमको पता है कि डेल एच अपॉन डेल टी जो है वो किसके बराबर होता है, सीपी के बराबर होता है। और डेल ई अपॉन जो आपका डेल टी है वो किसके बराबर होता है, सीवी के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, सीपी लिख देंगे। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, सीवी लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। या सीवी को इधर ले आए तो क्या बना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये किसके लिए हो जाएगा आपका, 4 1 मोल के लिए हो जाएगा। अगर वही सेम करें कि एन मोल के लिए क्या होगा, बिल्कुल आसान है,
एन मोल के लिए हमारा हो जाएगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एन आर के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया रिलेशन, दोनों तरह के रिलेशन। एग्जाम में जिस तरह का भी रिलेशन आता है हम लिख सकते हैं कि ये एक नंबर में आए तो सिंपल लिखना है आपने सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर या सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एन आर। अगर दो नंबर का आता है क्वेश्चन तो इसके थ्रू ये आपका फार्मूला आपने ड्राइव करना है। अगर दो नंबर से ज्यादा आता है तो हमें जो लॉन्ग मेथड है उसी को ही अप्लाई करना है।